हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड। यह इसका लास्ट वीडियो है एंड नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन पर। और धीरे धीरे करके आपके सभी टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं। उसके बाद आपका योगा का टॉपिक क्लियर होगा, उसके बाद आपका सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे एंड उसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊँगी कम से कम 120 क्वेश्चंस का। तो आपकी परीक्षा होते होते मैं सभी चीज़ को कंप्लीट कर दूंगी एंड वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड ये डेली बेसिस पे आपको वीडियो आ रहे हैं और डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। केवल बीपीएससी एमआरएस के लिए ही नहीं है, अदरवाइज आल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी वीडियोज। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, प्रक्षेपक की उड़ान और समय निम्न पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों, प्रक्षेपक की उड़ान और समय यह निर्भर करता है प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग पर, कि आप किस कोण से किस एंगल से फेंक रहे हैं वस्तु को। जैसे हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो में किस कोण से आप फेंक रहे हैं, वो प्रारंभिक वेग पर आपका निर्भर करता है उड़ान। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम इस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, न्यूटन के गति का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। और इसको जड़ता का नियम, अकर्मण्यता का नियम, लॉ ऑफ इनर्सिया, गैलीलियो का नियम आदि नामों से जाना जाता है न्यूटन के प्रथम नियम को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अकर्मण्यता का नियम। क्या हो जाएगा? अकर्मण्यता का नियम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। तो दोस्तों, इन सभी में आपका जोड़ा राइट है कि रेखीय गति का कारण केंद्रीय बल होता है। ठीक है, कॉज ऑफ लाइनर मोशन सेंट्रल फोर्स। तो रेखीय गति का कारण जो है वो केंद्रीय बल होती है, ये याद रखिएगा। यानी किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, जो वस्तु की गतियात्मकता का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौशल को क्या कहते हैं जिसकी तैयारी के लिए समय मिलता है, स्थिति का पूर्व दर्शन होता है तथा संचलन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो ऐसी गति को कहा जाता है स्वगतिकृत कौशल। स्वगतिकृत कौशल यानी कि सेल्फ पेसेड स्किल्स। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्न में से मुख्य रूप से किसके विवरण के लिए उपयोग करते हैं। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहता है? पहला नियम है जड़ता का, जड़त्व का नियम। दूसरा, संवेग यानी एक्सेलरेशन का नियम। तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं, काउंटर फोर्स लॉ कहते हैं, या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाता है उतना ही बल वस्तु हम पर भी लगाती है। यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रनिंग एंड जंपिंग, रनिंग एंड जंपिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलिस्टिक संचलन के नीचे दिए गए फेज के क्रम में कौन सा क्रम सही है। तो दोस्तों, किसी भी चीज को करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं? तैयारी करते हैं, फिर क्रिया करते हैं, फिर रिकवरी करते हैं। यानी कि पहले प्रिपरेशन करेंगे, फिर एक्शन, फिर रिकवरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भूमि घर्षण निर्भर करता है। तो ग्राउंड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, तो भूमि घर्षण किस पर निर्भर करता है। तो पदार्थ का स्वरूप कैसा है और धरातल का, दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, पदार्थ के स्वरूप और धरातल दोनों पर भूमि घर्षण क्या है निर्भर करता है। हालांकि दोस्तों, दो सतहों के बीच जो संपर्क का एक बड़ा क्षेत्र होता है घर्षण बलों का बड़ा स्रोत पैदा करेगा। यानी कि दो सतहों के बीच लगने वाला बल घर्षण बल होता है। याद रखिएगा, खुरदरी सतह पर घर्षण ज़्यादा होगा और चिकनी सतह पर घर्षण कम होगा। चिकनी सतह पर इसलिए हम फिसल जाते हैं क्योंकि घर्षण नहीं होता,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा और भार किसी द्रव के दो आयाम हैं, तो इनमें से क्या होगा सही? तो इसमें राइट आंसर होगा मात्रा और भार दोनों निश्चित होते हैं। मात्रा और भार जो है द्रव में दोनों निश्चित होते हैं, यानी कि वॉल्यूम इज फिक्स्ड। क्या होता है मात्रा एवं भार, यानी कि बोथ वॉल्यूम एंड वेट आर फिक्स्ड। नेक्स्ट है संरचना और गमन के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक अंतरापिष्ट का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बायोमैकेनिक्स के अंतर्गत, यानी संरचना और गमन के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक अंतरापिष्ट का अध्ययन बायोमैकेनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनेसियोलॉजी का मूल अर्थ है? तो दोस्तों किनेसियोलॉजी का मूल अर्थ है मतलब गति के विज्ञान है, बट ये किसके गति का विज्ञान? जीवित प्राणियों के गति का विज्ञान। मतलब अगर ये ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा जीवित प्राणियों की गति का विज्ञान है। जब ये ऑप्शन नहीं होता जीवित प्राणियों का गति का विज्ञान, तो गति का विज्ञान राइट हो जाता, ठीक है। लेकिन आपको देखना है सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है, वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिम्नास्ट शरीर के घूर्णन की त्रिज्या में फेर बदल करके लगातार कई बार क्षैतिज दंड पर ज्वाइंट स्विंग करता है, इसके लिए वह क्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घूर्णन की त्रिज्या को लगातार बारी बारी से घटाता और बढ़ाता है। यहाँ पे गुणांक नहीं है, यहाँ पे घूर्णन है। क्या है? घूर्णन है, ठीक है। घूर्णन की त्रिज्या को लगातार बारी बारी से घटाता और बढ़ाता है, जिसे शरीर के द्वारा की जा रही क्रिया में शरीर समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलती है, जिससे व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जड़त्व के अध्ययन से क्या तात्पर्य है? जड़त्व के अध्ययन से क्या तात्पर्य है? तो जड़त्व के अध्ययन से तात्पर्य है किसी भी चीज का आराम व गति का अध्ययन। यानी जड़त्व का अध्ययन क्या कहलाता है? जो न्यूटन का प्रथम नियम है जड़त्व का, वो कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो जड़त्व के अध्ययन से तात्पर्य है किसी चीज का आराम व गति का अध्ययन। नेक्स्ट दोस्तों, आंतरिक बल किसे कहते हैं? तो दो बल है, आंतरिक बल बाह्य बल, जिसमें से आंतरिक बल जो है मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को आंतरिक बल कहते हैं, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड बाई मसल्स, मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को आंतरिक बल कहते हैं। एंड बाह्य बल क्या है? हवा का प्रतिरोध, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, ये सभी हैं आपके बाह्य बल। नेक्स्ट दोस्तों, एक्सटर्नल फोर्स किसे कहते हैं? जस्ट बताई हूँ व्हाट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स, तो हवा का प्रतिरोध, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण बल, ठीक है, एयर रेसिस्टेंस, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, ये सभी आपका है एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी जब किसी बॉल को कैच लेता है, अब बॉल हाथों में संपर्क आने के बाद वह हाथों का नीचे की तरफ खींचता है, यह न्यूटन के किस नियम पर लागू होता है? दोस्तों आप सोच के बताइए, क्योंकि बॉल बल की दिशा में जा रहा है, यानी कि यह न्यूटन के द्वितीय नियम होगा। कौन सा नियम? द्वितीय नियम, यानी संवेग का नियम, यानी वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो किसी वस्तु के एक निश्चित दिशा में संवेग परिवर्तन की दर का उस वस्तु पर लगाए गए बल को प्रतिफल का अनुपात त्वरण कहलाता है, यानी संवेग का नियम होता है द्वितीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी की इकाई क्या है?
तो दोस्तों मांसपेशी की इकाई है माइक्रोन, माइक्रोन से इसे मापा जाता है। नेक्स्ट है बल की इकाई क्या है, तो बल की इकाई क्या है, न्यूटन है। नेक्स्ट दोस्तों स्पीड की इकाई क्या है, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्पीड की इकाई मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर पर आवर है। जब भी कभी ऑप्शन में मीटर प्रति सेकेंड रहेगा तो वो राइट रहेगा, या किलोमीटर पर आवर रहेगा तो वह राइट रहेगा, या दोनों रहेगा तो दोनों राइट रहेगा। नेक्स्ट है एक्सीलरेशन की इकाई क्या है, यानी त्वरण की इकाई क्या है, तो इसका इकाई है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट दोस्तों वर्क की इकाई क्या है, वर्क यानी कार्य की इकाई जो है वो जूल है। नेक्स्ट दोस्तों ऊर्जा की इकाई क्या है, तो वर्क कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई है क्या, जूल है। कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई है जूल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर की इकाई क्या है, दोस्तों पावर को वाट से मेजर किया जाता है, तो पावर की इकाई है वाट। नेक्स्ट दोस्तों मानव शरीर को गति प्रदान करते हैं, तो कौन गति प्रदान करता है मानव शरीर को, तो शरीर के ज्वाइंट्स जो हैं, ज्वाइंट्स ऑफ द बॉडी। मानव शरीर की गति कौन प्रदान करते हैं, जो हमारे ज्वाइंट्स हैं। नेक्स्ट है मांसपेशियों की गति की ज्यामिति व्याख्या एवं रचना करने का श्रेय किसे दिया जाता है, द ज्योमेट्रिक एक्सप्लेनेशन एंड क्रिएशन ऑफ मसल्स मूवमेंट्स इज क्रिएटेड टू, तो ये दिए हैं सबसे पहले अरस्तु जी ने, किसियोलॉजी के पिता अरस्तु, बायोलॉजी के पिता अरस्तु। गति विज्ञान को कहा जाता है, दोस्तों इसको बल का विज्ञान यानी कि यह बाल हो गया है, बल विज्ञान होगा, पेशी विज्ञान, अंग संचालन विज्ञान, ये तीनों कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु में गति करने में आवश्यकता होती है, तो दोस्तों न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स की, किसी वस्तु के गति की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हृदय पेशियां कार्य करती हैं, तो ऐच्छिक रूप से कार्य करती है कुछ समय के लिए कि जीवन प्रयत्न, तो जीवन प्रयत्न कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों दिशा और परिणाम दोनों के कारण, दिशा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, दिशा व परिणाम, दिशा व परिणाम दोनों के होने के कारण बल क्या है, तो जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, सदिश यानी दिशा सहित, सदिश राशि। जिसमें दिशा नहीं होती केवल परिणाम की आवश्यकता होती है वो अदिश राशि होती है। तो याद रखिएगा सदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए बल क्या है, सदिश राशि है, बल क्या है, सदिश राशि है। नेक्स्ट दोस्तों सारी शिक्षा एवं खेलकूद की गतिविधियों में खिलाड़ी गति उत्पन्न करते हैं, तो शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद की गतिविधियों में खिलाड़ी गति किससे उत्पन्न करते हैं, तो मांसपेशीय बल से, किससे करते हैं, मांसपेशीय बल से, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी पर वापस क्यों आ जाती है, तो आप राइट आंसर दे दिए होंगे, यह होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जो पृथ्वी में वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने की शक्ति है, यानी जहां पे समस्त भार काम करती है वही भी गुरुत्वाकर्षण सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट होता है, याद रखिएगा। एंड महिलाओं में सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट जो होता है पुरुषों से नीचे होता है, इसलिए ज्यादा संतुलन की क्रियाएं महिलाएं ज्यादा कर लेती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और जो क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट में बताइए। एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो होगा स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड, तो दोस्तों प्रतिदिन आप प्रैक्टिस करते रहिए, और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।